हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत लेट डाल रही हूँ उसके लिए सॉरी। और ये वीडियो नीलकंठ महादेव का है, जब हम नीलकंठ गए थे इंडिया में। और इंडिया में वीडियो बनाए हैं लेकिन एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला, तो उसके लिए सो सॉरी। एक एक करके सारे वीडियो पोस्ट करूँगी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। आज है करवा चौथ और मैं रेडी हो रखी हूँ। हम लोग नीलकंठ जा रहे हैं, तो सोचा कि वीडियो स्टार्ट करूं तो आपको लेके चलेंगे नीलकंठ महादेव के मंदिर में। मेरा आवाज तो अभी ठीक नहीं हुआ है, आज और ज्यादा बिगड़ गया। तो अभी हम नीलकंठ के लिए निकल चुके हैं। रास्ता थोड़ा ऐसा है, वहाँ खराब है, पहाड़ी रास्ता है ना, पहाड़ों में ऐसे ही रास्ते होते हैं। बारिश पड़ती है तो सारी रोड खराब हो जाती है। अभी हम पहुंच गए हैं नीलकंठ महादेव के दरबार में। तो ये है हमारी पूरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मैं, मेरी भाभी और मेरे बहन का बेटा जिसकी शादी हुई है। पूरी फैमिली गए हैं, मेरी फ्रेंड भी गई है, मोनिका भाभी। और एक्चुअली उनके लिए ही हम गए हैं क्योंकि उन्होंने नीलकंठ कभी गए नहीं थे, तो वो घूमने आ रखे हैं। तो हमने कहा चलो ना, इस बहाने हमारे भी दर्शन हो जाएंगे दोबारा, क्योंकि हम एक बार पहले जा रखे हैं। हमें आ रहा तो फोन पे लगा है, दिख रहा है। हर हर शंभो, जय भोलेनाथ। विशाल तो इधर है, जूते गए तेरे जूते। जैसे मैंने बताया था कि आज करवा चौथ का व्रत है, तो हम दोनों का व्रत था, तो हम कथा पढ़ने गए थे एक जगह पे। और अभी रात का डिनर मेरे बहन के घर पे है, तो अभी हम सब व्रत खोलने के बाद डिनर कर रहे हैं। मेरी फ्रेंड भी इधर ही आई हुई है, तो पूरी फैमिली साथ में मिलके डिनर कर रहे हैं। तो जब पूरी फैमिली साथ में होती है ना, तो मज़ा ही अलग होता है, वो रौनक अलग ही होती है। और मैं अपनी फ्रेंड को ना अपने सारे रिलेटिव के यहाँ लेके गई, मेरी बहन के यहाँ, मेरी भाभी के यहाँ। बस मेरे मायके नहीं जा पाए क्योंकि टाइम थोड़ा कम था, तो उधर उस दिन बारिश पड़ रही थी, शायद बारिश हो रही थी या कुछ ऐसा था, तो हम नहीं जा पाए। लेकिन बहुत अच्छा लगा।